हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल TR बहादुरपुर। दोस्तों, अगर आप एक डिजाइनर हैं या डिजाइन के फील्ड में आना चाहते हैं तो आपने PNG फाइल के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर आप कोई भी पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स बोर्ड डिजाइन करते हैं तो आपको कुछ PNG फाइल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें जो इमेज लगाना होता है। क्योंकि अगर आप JPG इमेज लगाएंगे तो उसके साथ बैकग्राउंड होता है तो वो आपके बैनर या पोस्टर को ख़राब कर देता है। तो PNG फाइल को ढूंढने के लिए आप में से अक्सर लोग गूगल पे जाते हैं और उस इमेज का नाम लिख के उसके आगे PNG लिख देते हैं, जो कि गूगल इमेज में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें सही तरीके से PNG फाइल नहीं मिल पाती। तो गूगल से भी आप किस तरीके से अच्छी तरीके से और जो आपको चाहिए बिल्कुल वही चीज़ PNG फाइल में डाउनलोड कर लेंगे, वो बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं तो बने रहिए वीडियो में, उसको हम लास्ट में उसको बताएंगे कि किस तरीके से आप गूगल इमेज से और आप गूगल इमेज से PNG फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंटरनेट पे मौजूद बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जहां से आप PNG फाइल को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और कुछ वेबसाइटें ऐसी हैं जो कि पैड हैं, वहां पे डिजाइन मिलता है तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक दो डिजाइन फ्री दिन भर में डाउनलोड करने के लिए देती है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में जो कि ख़ास तौर से PNG फाइल प्रोवाइड करती हैं। तो आ गए हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैंने दो चार वेबसाइटों को ऑलरेडी ओपन करके रखा है ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो इन दो चार वेबसाइटों को मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी का सिर्फ नाम बता दूँगा, आप उसको ब्राउज़र में ओपन करके और ख़ुद देख के चेक कर सकते हैं, या मैं अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में पूरा डिटेल में लिख दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलिए देरी ना करते हुए हम देख लेते हैं उन वेबसाइटों को। यहाँ पर PNG1.com है, पहले नंबर पे मैंने लिखा है PNG1। इसमें पहला और दूसरा नंबर कोई नहीं है, हो सकता है कि आपकी नज़र में कोई और पहला नंबर हो। जो वेबसाइट मुझे जिस तरीके से मिलता गया है मैंने नोट किया है और उसी तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। PNG1 है, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख सकते हैं इसमें इस तरीके की आपको डिज़ाइन मिल जाएगी, और यहाँ पर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। मिसाल के तौर पर मान लीजिए हमको किसी पेड़ का इमेज चाहिए PNG में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्री, उसके बाद इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे मैंने इंटर किया तो नीचे यहाँ पे इतने सारे पेड़, वो भी बिल्कुल PNG इमेज में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आ गए हैं। तो इसको आप किसी भी बैनर या पोस्टर पे लगा सकते हैं और ये काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। डाउनलोड करने में भी कोई आपको परेशानी नहीं आएगी, किसी एक पे क्लिक करिए, मैं डाउनलोड करके एक दिखा देता हूँ। आप इमेज पर क्लिक किए, यहाँ पर नीचे आ जाइए, यहाँ पर देखिए लिखा है डाउनलोड PNG फॉर फ्री, ये 1.31 MB का है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइल आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। अब सिर्फ कुछ और वेबसाइटों को देख लेते हैं। इसके बाद है नाइस PNG, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जिस तरीके का आपको PNG इमेज चाहिए ये मिल जाएगा। अगर कोई और चाहिए तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद है stickpng.com, यहाँ पर भी आपको PNG इमेजेज मिल जाएंगे। ये देखिए सोशल मीडिया के आइकॉन वगैरह इस पर पड़े हुए हैं। उसके बाद है PNGitem.com, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर या फ्लावर कार्नर वगैरह या फिर पीपल्स वगैरह, यहाँ पे आप देख के इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है top PNG.com, यहाँ पे भी आपको PNG इमेजेस मिल जाएंगी HD क्वालिटी में, यहाँ से भी आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सर्च करना है तो हर वेबसाइट के अपर पे यानी हेडर पे सर्च का ऑप्शन ज़रूर होता है, आपको जो चीज़ चाहिए यहाँ पे लिखिए और सर्च कर लीजिए। वीडियो में बने रहिए, अगर आपको कोई इमेज PNG में चाहिए जो कि नहीं मिलती है तो उसको आप किस तरीके से PNG बनाएंगे उसका वीडियो मैं आगे ज़रूर लाऊंगा। बाकी गूगल से भी आप बिल्कुल आसानी के साथ किस तरीके से पाएंगे वो भी अभी बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने 5 वेबसाइटों के बारे में जान लिया, PNG1.com, nicepng.com, stickpng.com, PNGitem.com, toppng.com। अब इसके बाद मैं आपको सिर्फ वेबसाइटों के नाम बताता हूँ, आप नोट कर लीजिए या फिर वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी नोट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख दूँगा। इसके बाद kindpng.com आएगा, फिर pngtree.com है, pngaaa.com यानी pngaaa.com, pngfind.com, pngkind.com, pngwing.com, pngio.com, nicepng.com, pngk
kit.com, pngkey.com, pngarea.com, seekpng.com, pngimagesfree.com, pngall.com, iconpng.com, ctpng.com, vippng.com, favoritepng.com, cleanpng.com, pngable.com और pngfile.net, pngfree.io, pnghut.com, techpng.com। अगर इसके अलावा भी कोई वेबसाइट है जो कि आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि उसको भी ऐड कर दिया जाए और दूसरों का फ़ायदा हो सके। अब आइए जानते हैं कि इतनी वेबसाइट को ओपन करने से बेहतर है कि डायरेक्ट हम गूगल से कोई भी PNG इमेज किस तरीके से निकालें। तो यहाँ पे आपको जो भी PNG इमेज चाहिए आप किस तरीके से करते हैं, मान लीजिए हमको पेन का PNG इमेज चाहिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं पेन PNG और इंटर करते हैं ये गूगल में। अक्सर लोग इसी तरीके से सर्च करते हैं। यहाँ पे हम इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आप बहुत सारा PNG का पेन का जो PNG इमेज है वो आ गया, लेकिन इसमें सारा जो फाइल है वो PNG नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे फाइल हैं जो कि JPG हैं। यहाँ दिखता तो है ट्रांसपेरेंट, लेकिन इसको भी अगर आप लेके जाते हैं अपने कोरल ड्रा या फोटोशॉप में तो इसके साथ बैकग्राउंड होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल आसान तरीका है, टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कलर लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपेरेंट इस पे क्लिक कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत बेहतरीन है। आप जैसे ही ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने जो रिज़ल्ट आया है इसमें से चाहे आप जो भी डाउनलोड कर लीजिए वो आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में ही मिलेगा, यानी उसके साथ कोई भी बैकग्राउंड नहीं होगा। आप उसे अपने बैनर, पोस्टर या फ्लैक्स बोर्ड पर लगा सकते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के लिए आपको इसको कॉपी नहीं करना है जैसे कि आप JPG इमेज को कॉपी करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रांसपेरेंट दिखा तो नहीं रहा था, लेकिन हमने जैसे ही क्लिक किया इसका बैकग्राउंड यहाँ पे हटा हुआ है। तो इसको आपको कॉपी नहीं करना है बल्कि राइट क्लिक करके सेव एज, सेव इमेज एज जो लिखा है इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। फिर जो फाइल सेव होगी उसको आपको अपने बैनर या पोस्टर में लगाना है, तो इसके साथ कोई भी बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। आगे एक और वीडियो बनाया जाएगा कि अगर आपके पास कोई इमेज ही है तो उसको आप PNG किस तरीके से बनाएंगे फोटोशॉप में। यूट्यूब पे आप चाहें तो सर्च करके ऑलरेडी देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो बना है, लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कर लीजिए। मैंने जितनी भी वेबसाइट का नाम लिया और आपको बताया, इसके अलावा भी अभी बहुत सारी वेबसाइट पड़ी हैं जो कि PNG फाइल प्रोवाइड करती हैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उसको भी ऐड कर दिया जाए और दूसरों को उससे फ़ायदा हो सके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।